Hello students, in today's biology session we are going to discuss new lesson that is lesson number 9, Environmental Management. In this lesson we are going to discuss the points like uh, weather and climate, then uh, meteorology, solid waste management and disaster management. So this lesson is related to environmental studies. So there are so many factors are there which... Uh, Affect our day-to-day uh, -day life. These factors are atmospheric factors, and uh, the forecasting of uh, weather-related factors are given during the news bulletins on Doordarshan and Akashwani. So, the weather-related factors are uh, like uh, temperature, then uh, visibility, sunlight, clouds rainfall humidity and atmospheric pressure so all these are the weather or climate related factors or climatic factors and uh, the forecasting of uh, weather is uh, depending on all these factors so in this class we are going to discuss the weather and climate and in next class we are going to discuss the type uh, the concept of uh, meteorology so first of all we will start with the weather and climate so there is a difference in uh, these uh, two terms uh, the factors which are related with weather and climate they are same factors but there is a small difference in between weather and climate so what is the meaning of weather the weather means the atmospheric conditions at a specific time at a particular place are referred to as weather मिस वेदर का जो भी ओपिनियन है वो हम सिंपल स्टेटमेंट बना के हम बता सकते हैं जैसे कि टुडे इट इज़ टू कोल्ड और इट इज़ वेरी हॉट टुडे सो ये जो वेदर है वो पर्टिकुलर प्लेस के लिए और स्पेसिफिक टाइम के लिए मीन्स इन द मॉर्निंग इन द आफ्टरनून एंड इन द इवनिंग और एट नाइट ये जो भी वेदर है वो उस पर्टिकुलर टाइम का हम वेदर वहाँ पे हम बता सकते हैं या फिर अगर हम सिटी की बात करते हैं सिटी में जो बारामती सिटी है तो उसमें जो भी एक जैसे कि रीजन डिफरेंट रीजन्स या डिफरेंट यहाँ पे जो एरियाज़ है तो वो पर्टिकुलर एरियाज़ के बारे में भी हम वेदर क्या है वो बता सकते हैं या वहाँ पे जो भी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है तो उसके बारे में हम ये सिंपल स्टेटमेंट जो है वो हम बना सकते हैं बट जो वेदर जो क्लाइमेट होता है तो क्लाइमेट क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन इज द एवरेज ऑफ डेली रीडिंग्स ऑफ वेरियस वेदर रिलेटेड पैरामीटर्स एंड ऑल दिस पैरामीटर्स आर रिकॉर्डेड फॉर सेवरल ईयर्स हैं क्लाइमेट इज अ लॉन्ग टर्म एंड प्रोमिनेंट कंडीशंस ऑफ द ऑफ द एटमॉसफियर मीन्स वेदर जो है वो पर्टिकुलर प्लेस का और पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है उसको हम वेदर कहेंगे जो भी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होंगे वो स्पेसिफिक टाइम के एंड पर्टिकुलर रीजन के बट अगर हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो क्लाइमेट में ये जो पैरामीटर्स है इनके जो भी रीडिंग्स हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं फॉर सेवरल इयर्स एंड उसके बाद उस रीजन का जो क्लाइमेट है वो हम बता सकते हैं तो ये जो क्लाइमेट है ये क्या है लॉन्ग टर्म प्रोमिनेंट कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर है मीन्स अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो जो राजस्थान है वहाँ का जो एरिया है तो उसका अगर क्लाइमेट हमें बताना है तो इट इज़ हॉट एंड ड्राई है सो so, महाराष्ट्र में भी अगर हम कुछ ऐसे रीजन्स की बात कर जैसे मराठवाड़ा एंड विदर्भ है तो यहाँ पर का जो क्लाइमेट है तो सेवरल ईयर्स के लिए हम स्टडी करके वहाँ का जो क्लाइमेट है वो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं उसके बारे में हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं बट वेदर जो है तो वेदर एक शॉर्ट टर्म या फिर हम उसको कह सकते हैं कि उस स्पेसिफिक टाइम के लिए और पर्टिकुलर प्लेस के लिए वो हम फ्रिक्वेंटली uh, चेंज हो सकती है या फिर फ्रिक्वेंटली हम उसके ऊपर ओपिनियंस हमने uh, अपने खुद के बता सकते हैं बट क्लाइमेट जो है वो बहुत ही uh, मतलब हम uh, क्लाइमेट अगर चेंज होता है कौन से भी रीजन का तो उसके लिए बहुत यस uh, या जो ये प्रोसेस है क्लाइमेट चेंज की तो वो प्रोसेस बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस हो सकती है सो दीज आर द फैक्टर्स विच आर रिकॉर्डेड और ऑब्जर्वड ड्यूरिंग द फोरकास्टिंग ऑफ वेदर और क्लाइमेट तो उसमें एटमोसफेरिक प्रेशर सनलाइट देन क्लाउड्स ह्यूमिडिटी रेनफॉल विजिबिलिटी एंड टेम्परेचर तो न्यूज़ बुलेटिन के पहले हमने ये ऑब्जर्व किया है हमने ये देखा है कि इसका जो फोरकास्टिंग होता है तो उसमें ये एक, जो इन्वायरमेंट के बारे में है या जो वेदरिक कंडीशंस है इसके बारे में हमें बताया जाता है सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट सो चेंजेस इन वेदर अब वेदर जो है वो कैसे होता है तो चेंज होता है तो क्लाइमेट डज नॉट चेंज कंटिन्यूसली क्लाइमेट जो है वो कंटिन्यूसली चेंज नहीं होता है उस रीजन के लिए वो पर्टिकुलर बिकॉज ऑफ ये जो रीडिंग्स है या जो वेदर फोरकास्टिंग होता है तो इसमें वेरियस पैरामीटर्स को यूज़ करके सेवरल ईयर्स के लिए उसका रिकॉर्डिंग रखा जाता है और जो भी उसका प्रडिक्शन या कंक्लूजन है वो बाद में हम बताते हैं इसकी वजह से जो क्लाइमेट है वो कंटिन्यूसली चेंज नहीं होता है सो क्लाइमेट इज दैट विच रिमेंस कॉन्स्टेंट इन अ रीजन फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन तो क्लाइमेट जो है उस पर्टिकुलर रीजन का वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रहता है दज वी सी सी दैट वेदर इज रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक लोकेशन एंड स्पेसिफिक टाइम वेदर related to specific location and specific time, whereas climate is related to longer duration and larger area. ye second difference आह uh, हम बता सकते आह uh, between climate and weather. so weather is related to a specific location and specific time, but climate is related to a longer duration and a larger area. इसमें larger area हम आह uh, लेने वाले हैं और longer duration के लिए उसके observations लेंगे parameters के और उसके बाद हम उसका climate बताएँगे सो चेंजेस इन द वेदर में ऑकर फॉर शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम वेर आर चेंजेस इन द क्लाइमेट एक्सप्लेस स्लोली ओवर अ मच लॉन्गर ड्यूरेशन तो वेदर जो है वो अकॉर्डिंग टू वहाँ पे जो भी टाइम होगा या जो पर्टिकुलर uh, उस रीजन जो है तो उसके उसके ऊपर डिपेंड होगा ये जो वेदर है बट क्लाइमेट अगर है तो वो अगर चेंज होता है तो उसके लिए ये ये ग्रेजुअल प्रोसेस है उसके लिए लॉन्ग ड्यूरेशन लगता है सो क्लाइमेट प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल इन अवर डे टू डे लाइफ इट इन्फ्लुसिस आवर बेसिक नीड्स लाइक फूड देन क्लॉथिंग देन शेल्टर एंड एज वेल एज आवर ऑक्यूपेशन्स सो क्लाइमेट जो है स्पेशली ये डे टू डे लाइफ पे तो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले ही करता है बट क्लाइमेट जो है वो स्पेशली इंपॉर्टेंट है फॉर एंड एग्रीरियन कंट्री लाइक इंडिया तो हमारे कंट्री के लिए ये जो वेदर का या जो भी क्लाइमेट का फोरकास्टिंग होता है तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी की वजह से मतलब इससे क्या मिलता है हमें तो वेरियस क्लाइमेटिक फैक्टर्स लाइक डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ वेंड दैन टेम्परेचर एटमोस्फेरिक प्रेशर एक्सेट्रा कंसिडर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ रनवेज देन सी पोर्ट्स ह्यूज ब्रिजेस एंड स्काई स्काई क्रैपस तो इसके लिए हमें ये क्लाइमेट जो है तो स्पेशली इसका जो रोल है वो ऑक्यूपेशन्स में भी है उसके ऊपर ये अपना जो इम्पैक्ट है तो वो हमें देखने के लिए मिलता है तो जैसे कि जो कोस्टल uh, एरियाज होते हैं तो वहाँ का कैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहने वाला है उसके ऊपर उनके ऑक्यूपेशन जो है वो डिपेंड रहते हैं तो इसमें ये जो क्लाइमेट एंड वेदर है वो हमारी डे टू डे लाइफ में वेरियस और इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं सो नेक्स्ट पार्ट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ वेदर इन द लिविंग वर्ल्ड सो देर आर सम पॉइंट्स विच आर गिवन अंडर दिस हेडिंग सो देर आर सम इम्पोर्टेंस ऑफ वेदर इन द लिविंग वर्ल्ड सो डेली वेदर एज अल्सो लॉन्ग टर्म क्लाइमेटिक कंडीशंस इंफ्लुंस ह्यूमन लाइफ स्टाइल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो इसमें जो भी लैंड वाटर बॉडीज़ है प्लांट्स एनिमल्स है वो नेचुरल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं अर्थ का और ये जो इन्वायरमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है उस ऑर्गेनिजम्स के डेवलपमेंट के लिए सो द क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन हेल्प्स टू डिटरमाइन द डायट दैन क्लॉथिंग दैन हाउसिंग ऑक्यूपेशन लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन तो जैसे कि कैरेक्ट्रिस्टिक लाइफ स्टाइल अगर हम देखते हो तो डिफरेंट रीजन्स की ये जो लाइफ स्टाइल है वो डिफरेंट है जैसे जैसे कि कश्मीरी एंड राजस्थानी पीपल तो इनकी जो भी लाइफ स्टाइल उनका जो भी डाइट होगा क्लॉथिंग होगा हाउसिंग होगा वो डिफरेंट होगा तो ये डिपेंडिंग ऑन द रीजन जहाँ पे वैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस है तो उस डिपेंडिंग ऑन दर क्लाइमेटिक कंडीशंस ये जो वहाँ की पीपल्स है तो इनका डाइट क्लोथिंग एंड हाउसिंग एज वेल एज ऑक्यूपेशन जो है वो डिफरेंट होता है देन सलाइनिटी ऑफ मराइन वाटर देन फॉर्मेशन ऑफ ओशनिक करंट्स साइकिल एक्सेट्रा आर ऑल रिलेटेड टू वेरियस वेदर एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स तो हमने ये बहुत बार न्यूज़ uh, में भी uh, देखा है सुना है तो ये और टोटली डिपेंड होता है उस रीजन के वैदरिंग एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स के ऊपर सो वेरियस क्लाइमेटिक फैक्टर्स ब्रिंग अबाउट द वेदरिंग एंड रॉक वेदरिंग एंड रॉक्स वेदरिंग ऑफ रॉक्स इन द अर्थ क्रस्ट बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेटिक फैक्टर्स ये जो रॉक्स प्रेजेंट है अर्थ के क्रस्ट में इसका क्या होता है वेदरिंग होता है तो इसकी वजह से ये क्लाइमेटिक फैक्टर्स इसमें भी अपना रोल प्ले करते हैं एंड देन फॉर्मेशन ऑफ इनरिच फॉर्मेशन एंड इंडरिचमेंट ऑफ सॉइल ये भी डिपेंड होता है क्लाइमेट के ऊपर देन माइक्रोव जो प्रेजेंट है सॉइल uh, में वो अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड ये जो प्रोसेस होती है वो भी डिपेंड होती है वेरियस क्लाइमेटिक फैक्टर्स के ऊपर सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट द स्टडी ऑफ मेटेरियलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ ह्यूमन लाइफ ये कुछ हमने पॉइंट्स डिस्कस किए कि जहाँ पर यह दिया है कि ये जो वेदर है या वेदर एक फैक्टर्स है वो हमारे लाइफ में कितनी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं तो नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मीनिंग ऑफ मेट्रोलॉजी और जो डिपार्टमेंट है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट तो इसका रोल क्या है वो कौन से मॉडल्स हैं पैरामीटर्स को यूज़ करते हैं वेदर का फोरकास्टिंग करने के लिए तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं तो ये जो भी अभी डिस्कशन हमने किया है इस लेसन में तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है तो ये जो वेदर है या जो मेट्रोलॉजी है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ह्यूमन लाइफ में एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट ट्वेंटी थर्ड मार्च इज ऑब्जर्वड एज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे सो यू कैन कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट मेट्रोलॉजी एंड यू कैन प्रिपेयर द चार्ट टू क्रिएट द अवेयरनेस अबाउट इट and uh, today's homework for uh, today's homework is uh, write down the importance of weather in the living world so in the next class we are going to discuss the meteorology